थाना जबरेड़ा पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने इनके पास से चोरी के 5 वाहन बरामद किए हैं। आपको बता दें कि दोनों चोरों पर पहले से कई वाहन चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। एसपी देहात मणिकांत मिश्र ने प्रेस वार्ता कर बताया कि जबरेड़ा थाना पुलिस ने सहारनपुर बॉर्डर से चेकिंग के दौरान 2 वाहन चोरों को पकड़ा। उनके पास से 4 स्प्लेंडर, 1 पल्सर बाइक बरामद की। पकड़े गए चोरों के नाम अमन सैनी पुत्र मांगेराम सैनी, रोहित उर्फ रामू पुत्र रतन सिंह निवासी ग्राम मुंडी खेड़ा थाना रामपुर मनिहान जिला सहारनपुर बताया गया है। आपको बता दें कि अमन सैनी पर पहले से ही यूपी और उत्तराखंड में वाहन चोरी के केस दर्ज हैं। पुलिस की माने तो शातिर चोर वाहन चोरी के लिए ऐसे स्थान चुनते थे जहां पर पार्किंग नहीं होती थी। अधिकतर शातिर हॉस्पिटल के बाहर से बाइक चोरी किया करते थे। दिनांक 14 तारीख को चेकिंग के दौरान एक वाहन को रोका गया। रोकने से उससे गाड़ी के कागज और नंबर पूछे गए, जिसमें वो कागज भी नहीं दिखाया और नंबर भी गलत बताया। इसके उपरांत उसे थाने ले आकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने ये बताया कि ये गाड़ी उसने चोरी की है झबरेड़ा थाना क्षेत्र से ही, और थाना अध्यक्ष झबरेड़ा ने उसके साथ एक और लड़के को गिरफ्तार किया। कुल 5 वाहन बरामद किए गए, जिसमें 2 मुजफ्फरनगर से चोरी किए हैं, 1 झबरेड़ा से, 1 रुड़की थाना क्षेत्र से चोरी करना उन्होंने कबूल किया है और 1 शामली से। इन 5 वाहनों को बरामद किया गया है और आज उसे न्यायालय के समक्ष इन दोनों चोरों को प्रस्तुत किया जा रहा है।